नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस अति बहुमूल्य क्रिप्टो संबंधित वीडियो में। आप लोग ओपन सी से भली भांति वाकिफ हैं। ये एनएफटी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप एनएफटी खरीद सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि ओपन सी के अलावा मार्केट में कैसा एक भयंकर सुनामी आने वाला है जिससे एनएफटीज की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। आप लोग कॉइन बेस को अच्छी तरह से जानते हैं, ये बहुत बड़ी एक्सचेंज है, ये बिल्कुल भी एंडोर्समेंट नहीं, केवल मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि कॉइन बेस अपना एनएफटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है और कॉइन बेस जैसी बड़ी एक्सचेंज को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इनके पास इतना यूज़र्स हैं, ये लोग इतना ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। पर जब ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके पास 6.8 करोड़, करीब 6.5 करोड़ से ज़्यादा वेरीफाइड यूजर्स हैं, जब ऐसा प्लेटफॉर्म एनएफटी की खरीद फरोख्त में आता है तो उससे क्या होगा, हम एक छोटा सा कंपेयर करेंगे और आपको 7 एनएफटीज के बारे में भी बताएंगे, जिन 7 एनएफटी कैटेगरीज में अगर आप आज निवेश करते हैं तो आपको मल्टीपल फोल्ड 10 गुना, 100 गुना, या डिपेंडिंग ऑन आप कितना रिस्क लेते हैं उतना मुनाफा हो सकता है। अगेन, ये डिस्क्लेमर आपको बताऊंगा, केवल ये एजुकेशन पर्पज से है, ये बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, और ना ही मैं इसमें से किसी भी एनएफटी या किसी भी प्लेटफॉर्म की एंडोर्समेंट करता हूँ या मैं उनको खरीदता हूँ। मैं आपको केवल फैक्ट बेस बताता हूँ। ओपन सी के पास करीब 2,60,000 मंथली यूजर्स हैं, करीब 3 लाख यूजर्स हैं इसके पास, है ना। 3 लाख यूजर्स इतना बड़ा उछाल ला पाए एनएफटी जगत में। तो जब एक कंपनी कॉइन बेस जैसी एक्सचेंज, मान लीजिए कल को कॉइन डीसीएक्स या वजीर एक्स जो है एनएफटी लॉन्च करता है, तो आप लोग भी आसानी से एनएफटी खरीद पाएंगे अपनी एक्सचेंज पर से ही। तो कॉइन बेस का जो मैसिव यूजर बेस है वो अगले कुछ दिनों में एनएफटीज खरीद पाएगा। और ओपन सी ने जो एक बेस रखा था, जो एक बेंचमार्क रखा था एनएफटी के भयंकर उछाल का, उसको एक अलग ही स्तर पर लेके जाएगा। तो ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ, ये जो 7 एनएफटीज के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ये गेम चेंजर हो सकते हैं। मेरा नाम है रोहित शर्मा, आप वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपसे मिस नहीं हो, और लाइक करने से ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुँचेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेसिक एनएफटी के बारे में और एनएफटी में निवेश करने की रणनीति क्या होनी चाहिए उस बारे में जान पाएंगे। तो आप कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, और मैं तबीयत खराब होने के बावजूद भी अपना कंट्रीब्यूशन देता रहूंगा ताकि जब जब मैं रिसर्च अपनी कंप्लीट कर पाता हूँ मैं तुरंत आपसे वो रिसर्च शेयर कर पाऊँ। ये आज का तीसरा वीडियो है ओपन सी, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर विजिट कीजिए ओपन सी पर। सबसे बड़ी कैटेगरी है क्रिप्टो पंक्स। क्रिप्टो पंक्स इतना ज़्यादा फेमस क्यों हुआ, क्योंकि क्रिप्टो पंक्स सबसे पहला एनएफटी था जिसने 2018 में एनएफटी कलेक्शन निकाली थी। ये बेसिकली ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर कैटेगरी है, और अगर आपने ये सब चेहरे बहुत बार देखे होंगे कई लोगों की, तो यूट्यूब डीपी भी ये होती है। क्रिप्टो पंक ने काफ़ी अच्छी रेवोल्यूशन करी है, काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट को इस पर ऐड किया है, काफ़ी ज़्यादा 10,000 से ऊपर इसके ऊपर आर्ट एंड क्राफ्ट अवेलेबल है। ओपन सी के ऊपर सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो कैटेगरी है या जो चैनल है वो है क्रिप्टो पंक्स। ज़रूर गौर फरमाइए, देखिए अगर इसमें कोई आपको टोकन अच्छा लगता है, कोई एनएफटी अच्छा लगता है तो उस पर बिड लगाइए। पहला डिस्क्लेमर, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे लगता है कि आम लोगों की रीच से बाहर है। उसका कारण क्या है, सबसे पुराने थे, काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अब यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि सस्ते एनएफटीज को ढूंढें। सेकेंड कैटेगरी हमारी है आर्ट ब्लॉक्स। अब जैसे नाम सजेस्ट करता है, इस पर आपको आर्टिस्टिक क्यूरेटेड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। आर्ट ब्लॉक जो है वो चुनिंदा आर्टिस्ट के द्वारा अच्छे अच्छे जो आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर लाता है। क्यूरेटेड प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है, आर्ट ब्लॉक्स की टीम सेलेक्ट करती है कि कौन से ऐसे आर्टिस्टिक्स प्रोग्राम्स हैं जो सबसे ज़्यादा पंप कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू यूनिक है, और उसके हिसाब से ये लोग यहाँ लॉन्च करते हैं। आप देख सकते हैं इसका प्राइस वेरी करता है, बहुत सस्ते टोकन से ज़्यादा बहुत महंगे टोकन तक भी जाता है। ये विचित्र किस्म के होते हैं, अजीबो गरीब किस्म के होते हैं, और कदरदानों की एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो इनमें से किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट को उठा ले तो इनका प्राइस अगले स्तर पर जा सकता है। तीसरी कैटेगरी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो है अजीबो गरीब कैटेगरी। अगर आप इस टोकन को देखें यहाँ पर, ये करीब करीब $1 मिलियन का बिका है, ये पत्थर है। चौथी कैटेगरी, तो अजीबो गरीब पर भी ध्यान रखिए, सस्ते प्राइस में मिलेगा बट आपका लक है कि वो आगे चला जाए। चौथी कैटेगरी फटाफट से मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। चौथी है बोर्ड ऐप याट क्लब। इसका आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा। इनकी क्या खासियत है, ये बंदरों के चेहरे के ऊपर बनाते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। इनके जो नए टोकन आते हैं, नए एनएफटीज आते हैं, उन पे आप बोली लगाइए, बहुत सस्ते में मिलेंगे, और इनका प्राइस अक्सर जो है वो भयंकर लेवल पर चला जाता है। ये जो चौथी कैटेगरी है, ये मुझे लगता है कि एक ऐसा उदाहरण है कि 6 महीने पहले अगर आपने हमारी बात सुनी होती, ये बंदरों की शक्लें, जो अजीब उल्टी करते हुए बंदर या अजीब शक्ल का बनाते हुए बंदर, बोर बंदर, ऐसे ऐसे बंदरों की जो एनएफटी बिके हैं दोस्तों, वो मैंने अपने आंखों से देखा। मैं भी नहीं जल्दी खरीद पाया, 100-100, 200-200 डॉलर्स के बिके हैं और आज के डेट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। इसमें आप शॉर्ट लगा सकते हैं कि जब से नए आए उनमें से कितने लोग बिड लगा रहे हैं, वो सब ध्यान लगा के अगर आपके पास 100-200-400 डॉलर हैं तो आप लगा सकते हैं।
अगेन दोबारा से इस चौथी कैटेगरी से आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो बिल्कुल उतना पैसा लगाए जो आप जीरो होता हुआ देख सकते हैं। पांचवी कैटेगरी है पडी पेंगुइन, ये भी बहुत बड़ा चैनल है ओपन सी के ऊपर और ये सारे चैनल मुझे लगता है कॉइनबेस पर भी मूव करेंगे इतना बड़ा यूजर बेस देखने के लिए। ये कैटेगरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, करीब 9000 आइटम्स हैं इनके पास, 4000 ओनर्स हैं और करीब 40 इथेरियम वर्थ ऑफ, ये लोग डॉलर्स में नहीं गिनते ये सब इथेरियम वर्थ गिनते क्योंकि ये ओपन सी इथेरियम बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो 40 इथेरियम वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट उस पर हो चुकी है। पांचवी या छठी कैटेगरी में मैं काउंट भूल गया माफ़ कीजिएगा, आठ ब्लॉक फैक्ट्री है जो बेसिकली इसका नाम फैक्ट्री इसलिए है और हमने पहले भी आठ प्लेटफॉर्म की बात करी थी, इसमें जो है उस प्लेटफॉर्म के मुकाबले ज़्यादा टोकन्स हैं, ये बेसिकली किसी भी आर्टिस्ट को अलाउ करते हैं कि आइए आप अपना टोकन यहाँ पर लिस्ट कीजिए, कोई खरीद ले तो अच्छी बात है, इसीलिए इसमें फ्रॉड होने के चांस हैं। इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते 100-100 रुपये के भी NFT आपको खरीदने को मिल जाएंगे, पर रिस्क होता है, मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति या आपके जैसा कोई भी व्यक्ति इस पर अकाउंट बनाकर अपना आर्ट एंड क्राफ्ट फेक नाम से डाल सकता है, वैलिडेशन नहीं है, पर अगर इसमें चल पड़े तो कम निवेश में ज़्यादा रिटर्न आ सकता है। मैं हर तरह की कैटेगरी आपके लिए कवर कर रहा हूँ दोस्तों, छोटी बड़ी महंगी सबसे महंगी क्रिप्टो पंक जैसी भी जो मैंने आपको बताया, जहाँ पे हर एक कॉइन ऑलमोस्ट 2-2, 4-4 इथेरियम की वैल्यू का हो चुका है, 10-10, 20-20 लाख रुपये का हो चुका है, आप इन सबको फॉलो कीजिए। इवन क्रिप्टो पंक पर भी कई बार ऐसा टोकन आता है NFT आता है जो बहुत ही कोड़ियों के भाव मिल रहा होता है और कई लोग मैं व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप पे देखता हूँ, कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि उन्होंने खरीद लिया बहुत ही सस्ते दामों पर। अगला क्या है दोस्तों, वो एक विचित्र कैटेगरी है, वो है फ्रैक्शनल आर्ट। बेसिकली किसी ने महंगा पडी पेंगुइन या महंगा क्रिप्टो पंक या बोर्ड ऐप खरीद लिया हो, बोर्ड ऐप खरीद लिया हो, वो उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके बेचता है, मतलब वो उसकी ओनरशिप को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। फॉर एग्जांपल टोटल सप्लाई मान लीजिए इस पिंक फ्लटर की जो है उसको 10,000 पार्ट्स में उसने ब्रेक कर दिया, एक वैल्यू उसकी एक अगर उसने खरीदा था वो ये आप इसमें वैलिडेट कर सकते हैं fractional.ai के ऊपर जाकर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वैलिडेट कर सकते हैं कि वास्तव में सच्चा अच्छा NFT है कि नहीं, और आप उसके लिए एक फ्रैक्शन उसके एक अंश के लिए पैसा दे रहे हैं। दोस्तों मैं आपको पूरा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ज्ञान देना चाहता हूँ ताकि आप सीखें और आप अपनी रिसर्च के बेसिस पर मुझसे बहुत आगे निकले, क्योंकि मैं NFT में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब क्रिप्टो बिटकॉइन में या इथेरियम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत आगे प्राइस निकल गया। दोस्तों आप मुझे जानते हैं, मैं 4-5 साल से इस मार्केट में हूँ, मैंने अपना पहला बिटकॉइन जो है वो 8,000 रुपये का खरीदा था और $8,000 का भी खरीदा था और आज उन सबकी वैल्यू बहुत गुना हो चुके, तो मेरे पास एक कारण नहीं कि मैं NFT में इन्वेस्ट करूं। आप करना चाहें तो मैं आपके लिए अलग अलग ऑप्शंस लेके आ रहा हूं। सेकंड लास्ट हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों, वो एक नई गेम है जो NFT बेस्ड है, जो लॉन्च होने वाली है और उसके आप प्री आईडियो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, नई गेम आने वाली है। और जिस तरह से मैंने बताया क्रिप्टो पंक जो 2018 में लॉन्च हुआ था वो इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है, इस तरह की नई गेम्स में जो बेसिकली प्ले एंड अर्न मॉडल होता है, मल्टीप्लेयर गेम है जिसमें आप जितना प्ले करते हैं उतने आपको NFT टोकन्स मिलते हैं, इसलिए एक्सी इन्फिनिटी की तरह इसके टोकन्स की भी वैल्यू आगे बढ़ने के चांस है। ये बैटल गेम है जिसमें लोग एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। अब आईडियो में प्री आईडियो में पार्टिसिपेट करने का फ़ायदा क्या है कि आप इसके अवतार्स जो हैं, इसके गेम के जो कैरेक्टर्स जो हैं वो NFT के रूप में बिकेंगे, जिसको हम कलेक्टेबल्स भी कहते हैं, तो इनके कलेक्टेबल्स को आप खरीद सकते हैं। और जैसे जैसे गेम बढ़ती है, जब इस गेम में लोग इन्वॉल्व होते हैं, प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इनके टोकन्स की वैल्यू, इनके कलेक्टेबल्स की वैल्यू छप्पर फाड़ के बढ़ती है। अगेन ये बहुत रिस्की चीज़ें हैं, इन एनालाइज कीजिए, पर मैं आपको बोलूँगा कि जितनी भी नई NFT बेस्ड गेम आती है उनके बैकर्स को, उनकी टीम्स को एनालाइज करके आप खुद चुन सकते हैं, खाली इसी प्रोजेक्ट को नहीं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को जिनके टीम मेंबर्स, जैसे मैं आपको यहाँ पर टीम मेंबर्स दिखा रहा हूँ, आप खुद इनका नाम कॉपी करके LinkedIn पे जाकर सर्च कीजिए, या कोई भी नई गेम आपको मिलती है या नया NFT प्रोजेक्ट मिलता है, उनके फाउंडर्स को फाउंडर्स का अनुभव देखिए। अगर वो बड़ी कंपनी हो जैसे कि Coinbase या CoinDCX या GoDaddy वगैरह जैसी बड़ी कंपनी में काम कर चुके हैं तो उन पर आप थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बड़े लोग फ्रॉड नहीं करते हैं ना। बट अगर आपको नाम ऐसे लोगों का लगे जिनका नाम आपने कभी सुना नहीं है या LinkedIn पे जिनकी प्रोफाइल नहीं मिलती है, तो उनसे आप दूर रहिए। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली इनका जो टोकन का नाम है वो डॉलर चैम्प है, करीब 1 बिलियन डॉलर चैम्प्स निकल रहे हैं मार्केट में, जिनकी वैल्यू 1 सेंट के बराबर है, $1 जो है चैम्प वो 1 सेंट के बराबर है, और इनका इनिशियल ऑफरिंग आने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इनका प्राइस बढ़ेगा। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा कि मैं इस NFT गेम में नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, पर जैसा कि मुझे टीम ने सजेस्ट किया मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टीम में कई सदस्य ऐसे हैं सतोशी स्टाकर की जो इसमें NFT में भागीदारी कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया मेरी ऑलरेडी पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग है, मुझे ऑलरेडी कई कॉइन्स पर 100 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है, तो मैं केवल जो है मार्केट के टॉप पर जाने का वेट कर रहा हूँ जो कि करीब $1,00,000 के आसपास। डेफिनेटली इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको हर रोज़ बताऊँगा कि मैं कब बेच रहा हूँ अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो।
पोर्टफोलियो। दोस्तों लास्ट हमारी जो NFT है वो बेसिकली काफ़ी यूनिक है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति ने बनाई है जो बहुत अच्छे 3D आर्ट्स बनाता है। जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग किस्म के जूते जो हैं वो NFT के तौर पर आ रहे हैं। मैं जानता हूँ US में और दुनिया भर में काफ़ी सारे शू लवर्स हैं जो वर्सोस नाम के इस NFT के ऊपर काफ़ी आकर्षित होंगे। क्रिएटर का नाम भी वर्सोव है। वर्सोव जो है महाशय, वो 9 साल का एक्सपीरियंस है उनको 2D 3D और 3D एनिमेशन मॉडलिंग को बनाने के अंदर, और बेसिकली स्नीकर कैटेगरी में ये नंबर वन रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 60,000 से ज़्यादा इनकी एक्टिव कम्युनिटी है, तो इनको आप बेसिकली NFT जगत का स्टीव मैडन मान सकते हैं। तो अब इनके जो NFTs हैं वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के हैं, और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैं आपको कुछ डिज़ाइन दोबारा से दिखाना चाहूँगा कि दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महंगे महंगे करोड़ों रुपए के लाखों रुपए के स्नीकर्स पहनते हैं। मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट जो उन लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, और अर्ली स्टेज पर अगर आप इन टोकन्स को खरीदते हो, इन आर्ट एंड क्राफ्ट को खरीदते हो, और इसमें काफ़ी प्ले जो है रोल वो करता है किस्मत का भी, कि अगर ये कॉन्सेप्ट चल पड़ता है तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये जूतों से संबंधित है, क्योंकि मुझे देखने में काफ़ी अच्छे डिज़ाइन लग रहे हैं, और चूंकि 24 तारीख को आज से तीन चार दिन के अंदर इनका पब्लिक सेल आने वाला है, तो आप, और एक मैं आपको चीज़ बताना भूल गया दोस्तों, आप डिस्कॉर्ड चैनल जो है इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ हमेशा ज्वाइन कीजिए, आपको सबसे अच्छा पता चलेगा कि जो डिस्कॉर्ड जो कि टेलीग्राम की तरह ही है, अगर प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, हज़ारों लोग इससे ऑलरेडी प्री आइडियो से प्री लॉन्च से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट जो है ऊपर जाने के चांस है। वर्सो मैंने खुद जो है इसका डिस्कॉर्ड चैनल 2-3 दिन के लिए सुना, गौर किया, ऑडियो बाइट सुने, लोगों के रुझान सुने, मुझे लग रहा है कि इस पर बहुत सारी हाइप है। इस पे इसके जो टोकनॉमिक्स है वो भी बुरे नहीं हैं, हालांकि बहुत अच्छे भी नहीं हैं, क्योंकि जहाँ पे जो है काफ़ी सारे टोकन ब्रांडिंग के लिए रखे जाते हैं, जिन प्रोजेक्ट्स को मार्केटिंग करनी पड़ती है उनसे मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। इसलिए मैं आपको, चूंकि मैं आपको इसके बारे में विस्तृत विवरण कर रहा हूँ, मैं साथ साथ ये भी आपको बता रहा हूँ कि ये जो है NFT जगत में अच्छे आकर्षक प्रोजेक्ट्स हैं, पर मैं इनसे फिलहाल जो है थोड़ी सी दूरी बनाए रखे हूँ, पर बहुत सस्ते हैं, क्योंकि अगर आप NFT के हाइप को मिस नहीं करना चाहते हैं तो अर्ली स्टेज में इन प्रोजेक्ट्स को आप एक्सप्लोर करके इसमें जुड़ सकते हैं। वर्सो नाम है, दोबारा से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा और फटाफट से आपको एक समरी दूंगा। हमने 6-7 तरीके के, 6-7 कैटेगरी के, 6-7 स्तरों के NFTs के बारे में बात की। हमारी एक और वीडियो है जो हमने 3-4 दिन पहले बनाई थी, जिसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से 5th ग्रेडर के लिए हमने NFTs को समझाया था कि क्या होता है NFT, क्या रिस्क फैक्टर है, किस तरह से उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ती है। उस वीडियो जरूर देखना मत भूलिए। मैं चैनल का स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं, चैनल का व्यू दिखाता हूं, इसमें आप देखेंगे NFT की हमने बनाई थी, जानिए कैसे कमाएं पैसा NFT से। इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो पे कमेंट करके बताइए अगर आपने किसी NFT में निवेश किया, या आप मुझे सजेशन करना चाहते हैं, मेरी टीम को सजेशन करना चाहते हैं कि हम किस NFT में निवेश करें, तो कमेंट करके बताएं। अगर मुझे आपका कमेंट ऐसा लगेगा कि अरे वाह, इस NFT को तो मैंने देखा ही नहीं और उस NFT के प्रोजेक्ट पे मैं रिसर्च करूंगा, तो डेफिनेटली मैं आपकी एंट्री को सोमवार के गिवअवे के लिए एलिजिबल मानूंगा। इसीलिए इस वीडियो में हमारे गिवअवे, वीकली गिवअवे के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, केवल सरल साधारण आपको बताना है कि आपका पसंदीदा NFT कौन सा है, या अपने मार्केट में अगर किसी से सुना हो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त NFT प्रोजेक्ट आके गया हो जिसमें लोगों ने पैसा बनाया हो, मुझे ज़रूर बताइए, मैं भी अपना ज्ञान बढ़ाना चाहूँगा। दोस्तों दोबारा से माफ़ी चाहूँगा, मेरी आवाज़ थोड़ी दबी हुई है, हालांकि मैंने परसों टेस्ट कराया था जो कि नेगेटिव आया, फिर भी तबीयत में थोड़ा सुधार नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दवाइयों लेके इसको सुधार किया जाए, पर आप लोगों की बहुत सारी दुआएं आ रही है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इसी तरीके से, इसी ऊर्जा के साथ आपको रोज़ सहायता करूँगा और आपको अपने प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करूँगा। दोस्तों आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जय हिंद।